हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, मैंने बॉर्डर बनाया है और ये डिज़ाइन हमारा नौ फंदों का है, नौ के बीच का है और तीन फंदे और एक्स्ट्रा लिए हैं। ये देखिए, आज मैं अभी बनाकर दिखाती हूँ आपको। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ये देखिए, इस प्रकार से बनाइए। पहले चार फंदे यहाँ पर सीधे बनाइए आप। चार फंदे सीधे बनाने के बाद इन दो फंदों का एक कीजिए, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा जाली बनाए, फिर एक आगे धागा, फिर यहाँ पर इसको घुमाकर इस प्रकार से जाली बनाइए। ये देखिए, इस प्रकार से ये डिब्बी शुरू करनी है। अब यहाँ पर हम एक फंदा हमारा यहाँ आ गया और यहाँ पर इस फंदे के समेत नौ फंदे बनाएंगे। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एट फंदे बनाए। ये नाइनवा फंदा जो है ये इसके साथ एक हो जाएगा। ऐसे फिर धागा आगे किया और ये पत्ती बनाई, यहाँ पर दो का एक किया ऐसे। अब फिर इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इन दोनों का एक बना देंगे। आगे धागा किया और इसी प्रकार से फिर इधर, ये हमने तीन डिब्बियाँ शुरू की है। ये देखिए, ये यहाँ पर तीन डिब्बी शुरू की हैं। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हम उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अभी उल्टी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से इस यहाँ पर हर बार यहीं पर घटाई करनी है हमने। इसी चैन के अंदर ये फंदा सीधा, ये चैन वाला फंदा सीधा, जिस पर जाली डालते हैं उस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये दो फंदे सीधे। अब यहाँ पर इन दो का एक करेंगे, फिर दो फंदे सीधे। ये बीच वाला जो सेंटर वाला फंदा है इसको स्लिप करना है इस प्रकार से। फिर ये देखिए, ये फंदे दो सीधे, यहाँ पर जाली आएगी, डबल जाली होगी, यहाँ पर कटाई करेंगे। ये बीच वाला सेंटर वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा, ये यहाँ पर है, ये देखो, और इन दो का एक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आगे धागा किया, जाली बनाई, यहाँ धागा आगे किया, जाली बनाई। ये देखिए, इस फंदे को ऐसे घुमाया और इस प्रकार से जाली बनाई। ये डिब्बी इस प्रकार से शुरू होगी और ये देखिए, आधी डिब्बी बन गई है। अब हम आगे देखिए क्या करेंगे, उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे। पहले ये हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई उल्टी ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम एक बार जाली और डालेंगे, दो का एक किया, आगे धागा किया और यहाँ पर ये जो फर्स्ट जाली वाला फंदा है ये इस फंदे पर जाली बनाएंगे यहाँ।
ऐसे ये फंदा सीधा बनेगा, फिर आगे धागा करके यहाँ जाली बनेगी और यहाँ धागा ये किया और यहाँ भी जाली बनाई। यहाँ अब इस सिलाई में हमारे डबल जाली बनेगी इस प्रकार से, ये देखिए, क्योंकि इसी सिलाई के अंदर हमारी दूसरी डिब्बी शुरू हो जाएगी। इस फंदे को स्लिप करेंगे और इन दो फंदों का एक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जाली एक यहाँ डलेगी, इस जाली के साथ भी इस फंदे की जाली बनाएंगे। ये यहाँ पर डबल जाली आ गई, एक यहाँ पर घटाई किया है उस फंदे की जाली, एक बार अब घटाएंगे तो इस फंदे की जाली, ये डबल डिब्बी बनेगी, क्योंकि यहाँ ये ख़त्म होने से पहले यहाँ पर डिब्बी हमारी शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये फंदा स्लिप किया और ये धोखा एक किया, फिर आगे धागा किया, अगर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो साथ के साथ हमारे फंदे कम हो जाएंगे, इसलिए हमने डबल जाली साथ के साथ बनाई है। अब आगे हमारी उल्टी सिलाई, ये देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करते हैं। जो जाली का धागा घुमाया था हमने, उसको हमने उल्टा ही बुनना है। ये देखिए ये आ गई है हमारी सीधी साइड, यहाँ पर हम दो पाइप करेंगे। अब यहाँ जाली नहीं डालेंगे क्योंकि अब हमारी दूसरी डिब्बी शुरू हो गई है यहाँ पर, तो वहाँ पर ही जाली डालेंगे। ये देखिए इन तीन फंदों का हम एक करेंगे, पहले पीछे वाला फंदा लें फिर आगे वाला फंदा इसके ऊपर डाल दें और इस प्रकार से तीन का एक बना दें। अब यहाँ पर जाली बनेगी, इस फंदे को घुमाकर इसको हम बंद कर देंगे। पीछे वाले फंदे को पहले बुन लें ऐसे और इस फंदे को ऊपर से डाल दें। इन तीनों का एक बनाएं। फिर आगे धागा किया, फिर यहाँ पर जाली बनाई, फिर इस फंदे को घुमाकर इनकी कटाई कर देंगे और यहाँ पर जाली बंद कर देंगे। ये देखिए अब हमारी ये डिब्बी जैसे यहाँ पर शुरू हुई थी, ये चीज़ हमारी अब यहाँ पर शुरू होगी और इसी प्रकार से इस डिब्बी को बनाना है। ये देखिए आप जैसे यहाँ पर हमने शुरू किया था उसी प्रकार से यहाँ पर बन जाएगी, फिर इस डिब्बी को हम बंद करेंगे दोनों साइड से, ये बंद हो जाएगी। अब मैं दो सिलाई आपको और करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और इस तरह से बनाकर अपनी स्वेटर तैयार कीजिए।